हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पोको का C50 मॉडल और रेडमी का A1 मॉडल। आज हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और ये फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, दोनों में डिफरेंट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इसके, ये है पोको का C50 मॉडल और ये है रेडमी का A1 मॉडल। दोनों का प्राइस रेंज 6,500 रुपये का दोनों ही फ़ोन है। बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, तो इसका दोनों का भी मैं बता एक साथ में बताऊंगा। जैसे कि इसका जो कैमरा है 8+ VGA कैमरा है, दूसरे का भी 8+ VGA कैमरा दिया हुआ है। लेकिन अब मेजर डिफरेंस देखोगे तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि आपको पोको में फिंगरप्रिंट सेंसर साथ में आ रहा है। बात करेंगे इसके बैटरी की, तो इस दोनों में ही 5000 mAh बैटरी आपको देखने को मिल जाता है, प्लस इसमें 10 वॉट का आपको चार्जिंग मिल जाएगा। 3.5 mm जैक के साथ में आता है। वॉल्यूम बटन यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम बटन, अप एंड डाउन का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, पावर अनलॉक का बटन दिया हुआ है। फ्रंट कैमरा जो देखते हैं फ्रेंड्स, वो 5 MP दोनों का ही है। डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं तो 6.5 inch का डिस्प्ले मिल जाता है इसके अंदर, और इसके दोनों में ही आपको 2 GB का रैम मिल जाता है और 32 GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। दोनों में प्रोसेसर सेम है, डिज़ाइन सेम है, ओनली डिफरेंट है तो सिर्फ फिंगरप्रिंट सेंसर का, और कुछ भी मेजर डिफरेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लेना रहेगा 6,500 रुपये में, तो आप ये वाला फ़ोन लोगे या ये वाला फ़ोन लोगे, मुझे एक बार कमेंट करके बताना। और दोनों फ़ोन में से आपको, जबकि दोनों कंपनी एक ही है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना आप पोको लेना पसंद करोगे कि रेडमी लेना पसंद करोगे, और ये दोनों फ़ोन आपको कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, ये दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन पसंद आया मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ में कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।